हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज थ्री टार्स एक्स कॉमा वाई एंड जेड स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टार एक्स एंड द टॉप ऑफ द टार जेड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार वाई आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द थ्री टार इज इन द रेशियो 11 रेशियो 5 रेशियो 14, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ टार वाई फ्रॉम द टार्स एक्स एंड जेड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे यहां से। जब हमें दे रखा है इफ द हाइट ऑफ द थ्री टार इज इन द रेशियो 11, 5 एंड 14, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ टार एक्स बी, रेशियो में दे रखा है तो ये हो जाएगा 11h, तो वाई की हाइट कितनी हो जाएगी 5h और z की हाइट कितनी हो जाएगी 14h। तो देखिए, यहां से ही हमें पता चल रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा टार है, z, उसके बाद में x और फिर y, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाएंगे कि y को यहां पर बना लेते हैं छोटा सा, फिर इसके बाद में ये टार बना लेते हैं x, और ये सबसे बड़ा टार हो जाएगा हमारा z, ठीक है। और ये ग्राउंड हो गया, ये टार हो गया x, ये y और ये z, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में हमें और क्या दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टार टॉप ऑफ द टार एक्स एंड द टॉप ऑफ द टार जेड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार वाई, यानी कि वाई से जब हम एक्स को देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है 30 डिग्री का, और जब जेड को देखते हैं तब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है 45 डिग्री का। यहां से जब हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो ये हमें एंगल मिलेगा 45 डिग्री का और ये एंगल मिलेगा 30 डिग्री का, ऐसे ही दे रखा है। अब देखिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, देन ये सी और ये डी और ये ई। अब देखिए हाइट अगर हम ए बी की देखें, अगर एक्स की देखिए, एक्स की हाइट टोटल कितनी दे रखी है 11h, और ये हाइट जो होगी वो वाई के इक्वल होगी, भाई ये वाली हाइट कितनी होगी 5h होगी। तो जब हम 11 में से 5 माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 6h, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6h आ जाएगी। इसी तरह जब हम डी ई की वैल्यू निकालेंगे, ये टोटल हाइट कितनी दे रखी है 14h, और ये हाइट कितनी होगी 5h, क्योंकि ये टावर y के बराबर है, तो 14 माइनस 5 ये कितने मिल जाएगा हमें 9h। तो इस तरह हमें DE की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए x और y के बीच की डिस्टेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं p, और y और z के बीच की डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं q, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तब देखिए हमें एंगल कितना दे रखा है 30, और 30 के लिए ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और बी सी क्या हो जाएगा बेस। तो हम लोग लेंगे टेन 30 इक्वल टू, ए बी सी में टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 6h, और बेस कितना हो जाएगा ये p, तो 6h अपॉन p, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 6h अपॉन p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6√3 H, ये इक्वेशन वन बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ई डी सी, तो इन ट्रायंगल ई डी सी, वहां पर देखिए हमें टेन 45 में दे रखा है, और टेन 45 की वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ई डी, यानी कि 9h अपॉन q, तो यहां लिख लेंगे 9h अपॉन q, टेन 45 की वैल्यू 1 होगी तो 9h अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो q की वैल्यू मिल जाएगी 9h, ये इक्वेशन मिल गई हमें 2। अब देखिए अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टार y फ्रॉम द टार x एंड z, यानी कि y से x की डिस्टेंस और y से z की डिस्टेंस का रेशियो, यानी कि p और q का रेशियो फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे फाइंड करते हैं p रेशियो q, तो वो कैसे मिल जाएगा हमें p अपॉन q से, और p की वैल्यू कितनी है 6√3h अपॉन, Q की वैल्यू कितनी है 9h, तो h से ये h कैंसिल हो गया, 3 2s are और 3 3s are, तो हमें कितना मिल गया 2√3/3, अब √3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा 2/√3, यानी अल्टीमेटली हमें रेशियो कितना मिलेगा 2√3। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2√3 हमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।